उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में पकड़े गए तीनों आरोपियों को अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इसमें मुख्य आरोपी पुलकितारे पौड़ी जेल में ही रखा गया है, अन्य आरोपी सौरभ को टिहरी तो अंकित को देहरादून की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि SIT हत्याकांड मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने से पहले सभी सबूतों को एकत्रित कर रही है और पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूतों को और मजबूत करने के लिए आरोपी को सरकारी गवाह बनाने की तैयारियों में लगी है। सरकारी गवाह बनते ही SIT को मजबूत गवाह मिल जाएगा और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने से कोर्ट से दोनों को सख्त कार्रवाई हो पाएगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए ये पूरी रणनीति बनाई गई है। सभी आरोपियों को एक दूसरे से दूर किया गया है। वहीं कानूनी जानकार बताते हैं कि मामले में अगर एक भी सह अभियुक्त पुलिस का साथ देता है और सरकारी गवाह बनता है लेकिन वो मुख्य आरोपी ना हो तो जांच टीम उसके बयानों को परख कर कोर्ट में उसको आरोपियों के खिलाफ खड़ा करेगी, जो हर उस दास्तान को बताएगा जो क्राइम सीन में हुआ था, जिस पर सरकारी गवाह को कुछ हद तक सजा से राहत भी मिल सकती है। MKN न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।